नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे बच्चों? हिंदी। तो हिंदी में कुछ नया सीखने से पहले बच्चों, हमने अगले तास में क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, उसकी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो हमने अगले तास में हमारी कविता, जिसका ना क्या नाम था, धम्मक धम्मक आता हाथी। तो कविता है, अच्छी तरह से आपने याद कर डाली होगी और समझ ली होगी ना। यह कविता की पंक्ति की आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में पंक्ति भी बच्चों पूछी जाएंगी, इसलिए सभी बच्चों को यह पंक्ति याद रखनी है। फिर हमारी जो स्वापोती है हिंदी की, इसमें आपको क्या करना है, मैंने सब कुछ वीडियो में समझा दिया था ना। अभी भी किसी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यह मुझे क्या लिखना है, तो कोई भी विद्यार्थी है मुझे मैसेज अथवा फोन कर सकते। और सभी बच्चों ने इकाई पांचवी धम्मक धम्मक करता हाथी के सभी प्रश्न, काव्य पूर्ति, कहानी, मैंने कहानी चित्र के साथ दिखाई थी, और आपको अच्छे अक्षरों में पेंसिल से लिखना है। मैं आप सभी को उसको फोटो है वह सेंड कर डालूंगी, और आपको कहानी का नाम और बोध कहानी के आधारित आपको देना है। और फिर है हाथी का चित्र, वह चित्र आपको क्या करना है, अधूरा पूर्ण करना है, और उसमें रंग भरने हैं। क्या भरने हैं? रंग भरने हैं। फिर अनुलेखन, अनुलेखन यानी कि देख देख कर आपको लिखना है। अनुलेखन यानी कि देख देख कर आपको लिखना है, तो वह करना है। तो यह सभी आपने अच्छी तरह से अपनी स्वापोती में कर डाला होगा ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी इकाई? इकाई छठी। और उसका नाम क्या है? टपका का डर। तो टपका यानी बच्चों क्या होता है, किसी को पता है टपका यानी क्या? पानी की बूंद होती हो वह, यह होता है ना, पानी की जो बूंद होती है उसे टपका कहते। जो पानी की बूंद यानी कि टपका का जो डर है, यह कहानी है, यह कहानी का नाम दिया हुआ है लेखक ने। तो यह कहानी बहुत रोचक और मजेदार है, आप सुनने के लिए तैयार है? वेरी गुड। तो चलो कहानी पढ़नी है ना,
कि यह कहानी का नाम टपका का डर क्यों रखा है। तो चलो आगे बढ़ते बढ़ना है ना। कहानी का नाम लिखा है टपका का डर, तो यह कुछ कहानी में होगा ही, इसलिए उसका नाम टपका का डर होगा, ऐसा लगता है ना। अब कहानी सारी सुन लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि यह कहानी का नाम क्यों यह दिया हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी का नाम है टपका का डर। तो यहां पर आपको पहले चित्र को ध्यान से देखना है। देख लिया चित्र को ध्यान से, क्या दिख रहा है, कौन बताएगा? बादल दिख रहे हैं ना बादल। बादल में से क्या गिर रही है? पानी की बूंदे, यानी बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है, बारिश की मौसम है। तो यह चित्र में दिखाई दे रहा है, किस पर पड़ रहा है? छत पर, यानी छप्पर पर। तो यह चित्र में आपको बारिश होती हुई दिखाई दे रही है, बारिश की बूंदे है, वह छप्पर या छत पर गिर रही है, गिर रही है ना। तो चलो कहानी की तरफ आगे बढ़ते। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। बुढ़िया यानी आपको पता ही होगा कि उम्र में अधिक थी, उसकी उम्र बुढ़िया की अधिक थी। बुढ़िया की कहानी, किसकी कहानी है? बुढ़िया की कहानी। यह गरीब कष्ट यानी दुख, दुखों से जूझती बुढ़िया की कथा है। किसकी कथा है? बुढ़िया की। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। किसका? झोपड़ी का टपकता छप्पर, यानी छप्पर यानी जो उसका अर्थ है कि वह बुढ़िया किसमें रहती थी? एक जंगल में रहती थी, वहां छप्पर यानी छत, वह घास फूस आदि से बनी थी, और वह क्या थी? छप्पर उस और भी संकट में डाल देता था। वह मन ही मन झुंझला रही थी, यानी आपको मन ही मन बहुत चिंतित हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब मैं क्या करूंगी। इस प्रकार लिखा है कि मन ही मन बुढ़िया है वह क्या कर रही थी? झुंझला रही थी। तो झुंझला रही थी यानी मन ही मन क्रोधित होती है। क्या होती है? झुंझला उठती है, मन ही मन दुखी क्रोधित होना। छप्पर यानी कि छत, घास फूस लकड़ी से बने हुए थे। तो यदि घास फूस से उसकी छत बनी हुई थी, बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता था। बुढ़िया की झोपड़ी थी, मैंने कहा था ना झोपड़ी थी, उस पर छप्पर यानी छत
मकान के ऊपर होता है ना, जब आप कोई भी बच्चे बाहर घूमने जाते हो या कोई भी यहाँ पर गांव देखते हो, तो ये उसकी छत देखना, ध्यान से देखना जब आप घूमने बाहर जाओगे गांव में, खास करके तो यहाँ पर के छत है बच्चों, वह अधिकतर वह लकड़ी आदि घास फूस से ही बनी होगी। वह बारिश में वह पानी है उस पर टपकता रहता है। तो बुढ़िया की चौपड़ी पर भी इस प्रकार ही थी, छप्पर थी, यानी कि घास फूस आदि से बनी हुई थी, हमारे मकानों की तरह सीमेंट की नहीं थी। इसलिए बारिश होने पर यहाँ पर पानी है लगातार टपक रहता था, तो वर्षा से परेशान थी बुढ़िया। तो उस स्थिति में देखिए तो बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ गया। यहाँ पर कहानी में और रोचक हो रहा है। पहले बुढ़िया के व्यक्तित्व का परिचय दिया है कि बुढ़िया बहुत कष्ट सहन करती थी, वह मन ही मन झुंझला रही थी, यानी मन ही मन झुंझला यानी क्रोधित होना। तो बरसात से परेशान यानी बारिश से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता था। यहाँ पर कहानी में देखिए एक और पात्र इस प्रकार आता है, बाघ आता है कि बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो काल्पनिक रूप से कल्पना की गई कि बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता था और भाग जाता था। तो यहाँ पर बच्चों काल्पनिक रूप से कल्पना की गई कि बुढ़िया की ऐसी परेशानी देखकर, यहाँ पर लिखा है कि बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता था और भाग जाता था। तो यहाँ पर कहानी है बच्चों, इसलिए काल्पनिक रूप से है। तो आप न तो यह समझिए कि बुढ़िया की बात देखकर वह घबरा कर भाग जाता था, यह कल्पना के रूप में दिया हुआ है। तो बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता था और भाग जाता था। कौन भाग जाता था, कौन बताएगा? बाघ, बाघे भाग जाता था। आगे देखिए कहानी में क्या क्या होता है। आगे कहानी में होता है, चित्र ध्यान से पहले देखो सभी बच्चों, पहले चित्र देखो। बुढ़िया का झोपड़ी का चित्र है, बुढ़िया बैठी है, वह आप चित्र देखकर समझ ही जाओगे। देख लिया सभी बच्चों ने चित्र? वेरी गुड। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बुढ़िया की झोपड़ी, बुढ़िया, बाघ। और बुढ़िया क्या कर रही है बच्चों, देखो तो। वेरी गुड। चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर कुछ पका रही है। क्या कर रही है? कुछ पका रही है। तो बरसात का दिन था। यहाँ पर कहानी देखो और आगे बढ़ती है दूसरी तरफ। बरसात का दिन था यानी कि बारिश की सीजन थी। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। बुढ़िया
जंगल में रहती थी। मैंने कहा था ना बुढ़िया है, वह घास फूस लकड़ी से उसकी छप्पर थी, वहाँ पर जंगल में रहती थी। जंगल में अधिकतर बारिश की मात्रा अधिक होती है, तो बरसात के दिन थे, चारों ओर पानी बरस रहा था, जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा, घास और भूसे बना हुआ था ऊपर उसकी छप्पर, तो उसका घर है पानी से भीग रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? बुढ़िया का घर भीग रहा था किससे? पानी से। बीच बीच में कहानी में आपको समझाऊंगी और प्रश्न भी पूछूंगी, क्योंकि उसमें से प्रश्न आएंगे जरूर, तो आपको याद रखना है। आगे देखिए, बुढ़िया का घर, जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा पानी से। बुढ़िया का घर क्या हुआ? टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? बुढ़िया क्या हो गई? परेशान। किससे? बारिश। आप भी कोई भी चीज है, होमवर्क या कोई भी विषय में आपको नहीं आता है तो आपकी परेशान होते हो ना बच्चों, उसी तरह बुढ़िया भी परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाया कौन? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि छप्पर को छाए कौन, यानी उसकी समस्या है कौन उलझाए, छप्पर को छाए कौन? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, तो बारिश की सीजन ही थी और उसकी छप्पर यानी छत भी भीग रही थी पानी से, और थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। कई बच्चे सोच रहे हैं ओले यानी क्या? आपको मन में प्रश्न हो रहा है ना कि टीचर ओले यानी क्या होता है? तो कई बच्चों को तो पता चल चुका होगा, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं ना, ओले यानी क्या, किसी को पता है? वेरी गुड, कई बच्चों ने उत्तर भी दिया है। ओले यानी क्या? क्या कहते हैं ओले को? बारिश की सीजन में पड़ते हैं यानी जो बर्फ होते हैं उसके करे, यानी बर्फ के करे को ओले कहते हैं हिंदी में। कई भी बार बारिश की सीजन में हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है कि यही जगह बर्फ की वर्षा हुई, यानी छोटे छोटे बर्फ। आप गर्मी की सीजन में जिस प्रकार शरबत खाते हो, उसी प्रकार छोटे छोटे बर्फ के जो टुकड़े होते हैं, उसी तरह बारिश की सीजन में कई ऐसे विस्तार में बर्फ के जंगल, गाढ़ जंगल होते हैं। जब जंगल के विस्तार में अधिकतर ओले पड़ते यानी बर्फ के करे, तो आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि ओले यानी क्या? बर्फ के करे को ओले कहते हैं, यह आपको याद रखना होगा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुढ़िया के घर पर क्या गिर रहा था पानी, फिर क्या गिरा? तो ओले भी पड़ने लगे, ओले यानी बर्फ के करे, तो यह याद रखना है। बेर बराबर ओले, बेर यानी कोई बताएगा बेर यानी क्या कहते हैं?
हमने अगले सेमेस्टर में सभी फलों के नाम दिए हुए थे, उसमें से बेर भी था। बेर किस में आता है? फल में आता है। किस में आता है? फल में आता है। तो बेर यानी गुजराती में उसे बोर कहते हैं, जो छोटे नहीं, जो हमें मकर संक्रांति में जो बड़े वाले बोर बेर आते हैं, यानी बोर बड़े वाले, उसी प्रकार के बर्फ के ओले भी पड़ने लगे बुढ़िया की छत पर। यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है बच्चों, देखो, बेर बराबर ओले, यानी कि बड़ी वाले बोर होते हैं, जो बेर वह बड़े वाले बोर होते हैं, उसकी साइज के ओले यहाँ पर पड़ते। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा, तो यहाँ पर जंगल में अधिक वर्षा होने के कारण जो ओले बाघ के शरीर पर टप टप ऐसे पड़ने लगे। आप भी देखो, बारिश की सीजन में अधिक बारिश होने पर आप बाहर निकलोगे तो वह बारिश की बूंदे या ओले आपके शरीर पर चुभने लगेंगे। आप देखो, इसलिए मैं आपको ऐसे उदाहरण दे रही हूँ। तो उसी प्रकार से ओलों की मार से परेशान हो उठा, कूदते फादते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। तो उसे जो बर्फ के ओले थे, ओले वह बाघ के शरीर पर इधर उधर गिरने लगे और उससे बाघ भी परेशान हो उठा, और कुत्ते फाते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। कौन पहुंचा? बाघ। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी और चूल्हे पर पानी टपक रहा था। चूल्हे पर क्या टपक रहा था बच्चों? पानी टपक रहा था। तो इस प्रकार चूल्हे पर क्या टपक रहा था बच्चों? पानी टपक रहा था। टप टप, इस प्रकार वह चूल्हा हमारी चूल्हे की तरह इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, मिट्टी का था। आप कई भी बार गांव में या ढाबे में जाते हो ना खाना खाने, तो उसमें आप देखो मिट्टी के होते हैं, जो रोटी पका रहा है वो होते वह मिट्टी के होते हैं, तो वह मिट्टी के से, तो उस पर पानी टपक रहा था टप टप। तो वह झुंझला उठी और बोली। तो यहाँ पर बच्चों झुंझला उठी का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? झुंझला उठी का अर्थ है क्रोधित होना। क्या होना? क्रोधित होना। बुढ़िया छत के पानी गिरने से भी क्रोधित तो थी ही, और फिर अभी खाना पका रही थी, यानी चावल पका रही थी, तो उसके चूल्हे पर भी पानी टप टप गिर रहा था। वह झुंझला उठी। झुंझला उठी यानी क्या होता है? क्रोधित होता है और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। यहां पर देखिए बच्चों, बाघ बाघ से भी बुढ़िया को नहीं डर लगता। बुढ़िया की व्यथा देखो बच्चों, बुढ़िया को बाघ से डर नहीं लगता था जितना कि उसे किससे डर लगता है? बारिश और ओले से।
क्योंकि उसे अच्छी तरह से रह भी छत भी के पर पानी भी टपक रहा था और वह खाना बना रही थी, चावल पका रही थी, उसके चूल्हे पर भी पानी टपक रहा था। तो यहाँ पर देखिए बाघ का चित्र है। तो कहानी में आगे क्या होता है यह हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ना है ना आगे। यहाँ पर आगे देखिए कहानी में, यहाँ पर देखिए बाघ का चित्र है। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती। बाघ ने भी सोच लिया है कि बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। टपका यानी क्या बच्चों? बारिश की बूंदे। टपका यानी बारिश की बूंदे। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों बाघ की कल्पना देखिए, जिस प्रकार हमने अगली कहानी ली थी कि खरगोश की शेर की, इस प्रकार बाघ भी कल्पना करता है कि बाघ ने सोचा बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। टपका यानी क्या? टपका का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? पानी की बूंद। टपका यानी पानी की बूंद। तो इस प्रकार बाघ ने सोचा कि बुढ़िया यहाँ पर मैं झोपड़ी में आया हुआ हूँ, उसके सामने हूँ, तो भी मुझसे उसे डर नहीं लगता। बाघ मन ही मन सोच रहा है और कहता है कि बुढ़िया भी मुझसे नहीं डरती, क्योंकि बुढ़िया है उसे टपका का अधिक डर था, यानी बारिश की बूंदे। टपका यानी क्या बच्चों? बारिश की बूंदे। तो जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। यहाँ पर देखिए बच्चों कहानी में क्या होता है कि पहले कहानी में बुढ़िया का परिचय लेखक ने दिया हुआ है कि बुढ़िया कष्ट झेलती है और उसे झुंझला उठती है, उसे टपका के डर से यानी बारिश के डर से। फिर बुढ़िया है वह खाना पका रही है यानी चावल पका रही है। तो परिस्थिति यह होती है कि उसकी छप्पर यानी छत वह घास फूस से बनी हुई थी, इसके कारण उसमें पानी टपक रहा था और पानी टपकने से वह परेशान होती, झुंझला उठी। वही परिस्थिति में देखिए बाघ का आता है। बाघ भी ओले यानी बर्फ बेर जैसे, तो ओले पड़ने से बाघ इधर उधर आकर बुढ़िया की झोपड़ी के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? बुढ़िया की झोपड़ी के पास आ जाता है बाघ। और बाघ ने तभी बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर सोचा कि बुढ़िया मुझसे नहीं डरती है,
मगर टपका से डरती, यानी पानी की बूंद से डरती है, क्योंकि बाघ उसकी झोपड़ी के नजदीक ही था। तो भी बुढ़िया नहीं डरती, वह उसे लगा कि मुझसे नहीं डरती, टपका से डरती है, तो जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस उतना ही सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो यह कहानी आपको पसंद आई बच्चों? तो यह शब्दार्थ है, उसके अर्थ देखते हैं। परेशान यानी कि हैरान, छप्पर यानी कि छत, घास फूस लकड़ी से बनी, ओले यानी कि करा, बेर यानी कि गूंज बोर, और मुहावरे झुंझला उठना यानी क्रोधित होना, सिर पर पैर रखकर भाग जाना यानी तेज गति से भाग जाना। तो सभी बच्चों ने मेरी कहानी ध्यान से सुनी और सभी बच्चों को मुझे आशा है कि समझ में आ चुकी होगी। अभी भी आपको समझ में नहीं आई होगी तो आपको मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। तो सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।